मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पिपराइच विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पिपराइच के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में आयोजित दस्तक व स्कूल चलो अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूली बच्चों को ड्रेस व किताबें भी बांटी, साथ ही दस्तक अभियान के तहत टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही 17 परियोजनाओं का शिलान्यास व 3 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमने पिपराइच में 2 अभियान की शुरुआत की है, जिसमें दस्तक अभियान के तहत इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए जागरूकता और टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही स्कूल चलो अभियान के तहत अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। पेश है गोरखपुर के संवाददाता अबरार अहमद की खास रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर 2 बड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, एक स्कूल चलो अभियान का। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष स्कूल चलो अभियान को हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर चलाया था, जिसमें पूरे प्प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 से बढ़ा करके 1,54,00,000 बच्चों को हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में प्रवेश कराने में सफल हुए थे। उन सभी बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते, मोजे और स्वेटर हमारी सरकार ने उपलब्ध करवा करके स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने में काफ़ी एक हमें उस अवसर पर सफलता मिली थी। यह वर्ष एक बार पुनः हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रदेश के अंदर कोई भी बालक, कोई भी बालिका स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। इसके लिए आज से 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलेगा। स्कूल चलो अभियान में जन आंदोलन का रूप ले सके, गांव-गांव जा कर के जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, ये सभी लोग मिलकर के स्कूल चलो अभियान में हर बालक और बालिका को स्कूल में प्रवेश कराने में अपना योगदान देंगे। आज उसका शुभारंभ प्रातः सिद्धार्थनगर में हुआ है। अभी अपराह्न में मैं यहाँ पर गोरखपुर जनपद में इस अभियान के साथ आया हूँ। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और हमारे 38 ऐसे जनपद हैं जो दिमागी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। हमारे जो 7 जनपद इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं, उन 7 जनपदों में और 38 जनपदों में आज से हम लोग टीकाकरण का और संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष पखवाड़ा प्रारंभ कर रहे हैं। आज से लेकर के 16 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बचाव के लिए स्वच्छता अभियान, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्तर पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो भी वहां पर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुविधाएं हो सकती है उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करवाने की तैयारी, जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिकल्स के स्टाफ होंगे, पीडियाट्रिशियंस होंगे, इन सभी को प्रशिक्षण देने, आशा बहुए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी प्रशिक्षण देने का एक विशेष कार्यक्रम इस अवसर पर चल करके, जिससे जब जो जुलाई में इंसेफ्लाइटिस अगर दस्तक देता है तो देने के पहले ही उसके उपचार की व्यवस्था हो सके, वैक्सीनेशन करके हम इस प्रकार की बीमारियों से रोकथाम की एक प्रभावी कार्यक्रम चला सकें, यह एक उसी का हिस्सा है। और इस अभियान को आज से हम लोगों ने अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। सीएससी में इसका शुभारंभ होगा और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के साथ ही हम लोग पूरे प्रदेश को, खासतौर पर जो 38 जनपद इंसेफ्लाइटिस से दिमागी बुखार से प्रभावित हैं, उन सबको दिमागी बुखार से मुक्त करने में हम लोग सफल डे टू डे की मॉनिटरिंग होगी। मैंने स्वयं सीएम कार्यालय में एक डेस्क तैयार किया है और डे टू डे की रिपोर्ट हर जनपद से हम लोग लेकर के स्कूल चलो अभियान का भी और संचारी रोग नियंत्रण के लिए किस जनपद में क्या कार्यक्रम हुए हैं कल से करिए।